मेरी ओला स्कूटर 1 साल पुरानी है एंड एक प्रॉब्लम आई जिसके कारण ओला मैकेनिक को बुलाना पड़ा। स्कूटर हो गया था जाम, आगे वाली ब्रेक लगी रह रही थी, समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। फाइनली ओला मैकेनिक आ गया और बोला कि फ्रंट टायर निकालना पड़ेगा। बस फिर क्या, लग गए काम पे, निकाल दिया फ्रंट टायर और कुछ ऐसी लग रही थी बिना टायर के। एंड भैया ने समझाई प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। प्रॉब्लम ये हुई थी, ब्रेक स्टक हो गया था आपका, मतलब ये स्टक हो गया था। अच्छा, और ये कैसे होता है? पाइप है ना, ये सारी पाइप में बीच में ऑयल घूम रही है। इसमें हमारी कोई गलती है? मतलब नहीं नहीं किसी की गलती नहीं, ना हमारी है ना आपकी है। बाई चांस हो सकता है, किसी भी गाड़ी में। टायर दोबारा लगाने के बाद टेस्ट की बट 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो भैया ने स्क्रीन ही खोल दी। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 देखो।